तो दोस्तों रैना हरभजन सिंह और केन विलियमसन को लेके बहुत ही बढ़िया ये अपडेट, उसके साथ ही साथ आईपीएल की शेड्यूल रिलीज के बारे में आई अपडेट। तो क्या है वो अपडेट, लेट्स फाइंड आउट। हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग, मैं हूं शुभंकर और मैं मेरे चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं, जिसका नाम है स्पोर्ट टेलिंग बैसल। जैसे कि आपको सबको मालूम है मैं यहाँ पे क्रिकेट की बातें करते रहता हूँ, उसके साथ ही साथ क्रिकेटर्स का जो इंटरव्यू लेता हूँ वो भी आपके साथ शेयर करते रहता हूँ। तो ये एक मेरा मोटिव है कि मेरा कुछ नहीं हो पाया क्रिकेट में, बट आपका कुछ ना कुछ हो सके, आपको बेस्ट पॉसिबल इन्फॉर्मेशन मिले यहाँ से। उसके साथ ही साथ जो क्रिकेट की जो लेटेस्ट अपडेट आती है वो भी आपके साथ मैं शेयर कर देता हूँ, डेली वीडियो आपके सामने आता रहता हूँ। जो कि हमें मेरा फ्रेंड नया है तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूले, इससे थोड़ी सी मुझे मोटिवेशन मिलती है, डेली वीडियो आपके सामने लाता हूँ इसके लिए। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक बिना डिस्कस शुरू करते हैं और यहाँ पे जान लेते हैं कि कौन से बड़े अपडेट आए हैं हरभजन सिंह, केन विलियमसन और उसके साथ ही साथ सुरेश रैना को लेकर, और उसके साथ ही साथ चेन्नई सुपर किंग्स के जो प्लेयर्स पॉजिटिव आए गए थे तो उसके बारे में क्या है अपडेट। उसके साथ ही साथ यहाँ पे आप जानेंगे कि मतलब जल्द ही शेड्यूल होने वाला है आईपीएल का रिलीज, तो कब होगा, कहाँ पे होगा, लेट्स फाइंड आउट। तो दोस्तों जैसे कि आपको सबको मालूम है कि कोरोना के चलते हुए अभी आईपीएल हैज बीन शिफ्टेड टू यूएई, और मतलब आईपीएल 2020 जो है वो पूरा सीजन यूएई में खेला जाएगा, जिसमें 155 दिनों का टूर ये टोटल रहेगा और जिसमें 51 दिन तक ये मैचेस रहेंगे और जिसमें 60 मैचेस टोटल खेले जाने वाले हैं। दोस्तों 19 सितंबर से लेके 10 नवंबर तक ये पूरा सीजन चलेगा और मतलब काफी रोमांचक सीजन होने वाला है। और जैसे जैसे आपको सबको मालूम है कि जैसे जैसे सीजन आगे मतलब नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे अभी मतलब काफी अच्छे अच्छे न्यूज सामने आ रहे हैं, उसके साथ ही साथ काफी बुरे न्यूज भी सामने आ रहे हैं दोस्तों। तो जैसे कि मैंने बताया था कि और जैसे कि आपको सबको मालूम है कि मतलब सुरेश रैना ने बैकआउट किया था और मतलब ये कहा था कि मतलब आईपीएल 2020 मेरा खेलना मुश्किल है, बट अभी उसी के चलते हुए बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आई और मतलब रैना ने खुद कहा है कि मैं वहां पे जाने के लिए रेडी हूं। तो ये टोटल जो डिसीजन है वो धोनी के ऊपर रहेगा कि उनको लेना है या फिर नहीं लेना है। अभी दोस्तों मतलब एक अच्छी न्यूज सामने आई बहुत दिनों बाद, उसके साथ चलते हुए मतलब काफी दो मतलब अच्छी न्यूज सामने आई। और जैसे कि आपको सबको मालूम है कि हरभजन सिंह ने भी कुछ ऐसा कहा था पहले कि मतलब मेरा इस सीजन खेलना मुश्किल है, और अभी उन्होंने खुद कहा है कि ऐसा कुछ भी बात नहीं है, ऐसा कोई भी बात नहीं है, जिसमें जितने मुझे पॉसिबल है वो मैचेस में खेलूंगा जरूर। दोस्तों रैना और मतलब हरभजन सिंह की वापसी हो सकती है और मतलब ये दो खिलाड़ी हमें चेन्नई के लिए फिर से खेलते हुए नजर आ सकते हैं इस साल। उसके साथ ही साथ मैं बता दूं आपको कि मतलब सीएसके के, जैसे कि आपको सबको मालूम है कि सीएसके के बहुत सारे प्लेयर्स मतलब कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, स्टाफ मेंबर 12 स्टाफ मेंबर पॉजिटिव पाए गए थे, और उसके साथ चलते हुए जैसे कि मैंने कल वीडियो में बताया था कि अभी सारे प्लेयर्स निगेटिव आ चुके और मतलब दीपक चहर को भी अभी क्वारंटाइन में रखा है, पर मतलब एक ही ऐसे प्लेयर है जो अभी आइसोलेशन में रखा गए और मतलब वो भी मतलब 12 दिन के बाद मतलब शायद फर्स्ट वीक ऑफ लाइक 10 सितंबर या फिर 12 सितंबर के आसपास उनको भी रिलीज कर देंगे और वहां पे वो प्रैक्टिस चालू कर सकते हैं दोस्तों। तो इसका इम्पैक्ट ऐसा पड़ा है दोस्तों कि मतलब अभी जो रिपोर्ट है वो सीएसके की निगेटिव आ चुकी है, जो जिनको पॉजिटिव वो प्लेयर्स थे वो अभी सारे निगेटिव आ चुके हैं और ऑफिशियल रिपोर्ट भी आ चुकी है। तो दोस्तों जैसे कि बातें हो रही थी कि मतलब सीएसके वर्सेस एमआई पहला मैच नहीं हो पाएगा कोरोना के चलते हुए मतलब, बट अभी जो है मतलब लेटेस्ट अपडेट के अनुसार सीएसके वर्सेस एमआई ही पहला मैच होगा दोस्तों। उसके साथ ही साथ मैं बता दूं आपको कि मतलब केन विलियमसन, जो कि मतलब ऐसा माना जा रहा था कि केन विलियमसन आउट ऑफ द आईपीएल हो चुके हैं और मतलब इस साल खेलने को नहीं देखे, इसी साल देखने को नहीं मिल सकते, बट अभी जो केन विलियमसन है वो अभी यूएई में पहुंच गए और मतलब कल निकल चुके थे वो, तो डेफिनेटली काफी अच्छी बात है सनराइजर्स हैदराबाद के लिए। और मैं बता दूं आपको कि वो डेविड वॉर्नर जो कि कैप्टनसी करने वाले हैं इस आईपीएल 2020 पूरे सीजन की, तो मैं बता दूं आपको कि कुछ पहले वीक्स वो मौजूद नहीं रहेंगे, तो उनके जगह पे केन विलियमसन कैप्टनसी करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि अभी इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का एक पूरा सीरीज चल रहा है तो वो खत्म होने के बाद सारे प्लेयर्स वहां पे अवेलेबल रहेंगे आईपीएल खेलने के लिए। तो लास्ट में अगर बात की जाए आईपीएल शेड्यूल की, तो मैं बता दूं आपको कि मतलब जो बीसीसीआई के प्रेसिडेंट हमारे सबके फेवरेट सौरभ गांगुली कल एबीपी में लाइव आए थे और उन्होंने ये कहा है दोस्तों कि अभी आईपीएल का शेड्यूल जो है वो दो पार्ट में हम रिलीज करने वाले हैं, तो आज रात को ही शेड्यूल पहला पार्ट जो शेड्यूल का पहला पार्ट है वो अभी आज रात तक डिसाइड होने वाला है दोस्तों और रिलीज भी होगा। ये दो पार्ट की अगर न्यूज आपको मैं बता, आपको अगर मालूम नहीं तो बता दूं कि मतलब ऐसा सीन है कि मतलब यूएई के रूल्स जो है कोरोना के लिए वो अलग है और मतलब दुबई के लिए रूल्स अलग है, तो डेफिनेटली जो मतलब पूरा प्लानिंग करना पड़ेगा, रूल्स के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, तो इसलिए पार्ट वन में मुझे लगता है कि सारे मैचेस जो है वो यूएई में हो गए, उसके बाद मतलब थोड़े से सारे मैचेस हुए दुबई में हो गए, और मतलब दोनों पार्ट में ये जो है मतलब यूएई का एक पार्ट रहेगा और दुबई का एक पार्ट रहेगा, तो पार्ट वाइज अभी शेड्यूल रिलीज होगा, पूरा शेड्यूल डायरेक्टली रिलीज नहीं होने वाला दोस्तों। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए और मेरे चैनल पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए, इससे थोड़ी सी मुझे मोटिवेशन मिलती है, डेली वीडियो आपके सामने रहता हूँ इसके लिए। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन ऑल्सो, तो उससे भी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी जब मैं ऐसे वीडियो आपके सामने रहता हूँ तब। और तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक और वीडियो के साथ। बाय बाय।